प्रताप रवि पूरे राज्य पे कब्जा करने का इंतजाम कर रहा है और षड्यंत्र की शुरुआत के लिए वो एक मीटिंग बुला रहा है। उस मीटिंग में राज्य के कोने कोने से प्रताप को सुनने मिलने वाले कई पार्टी वर्कर्स, नेता और वीआईपी लोग आएंगे और उनकी सुरक्षा में आएंगे। उन सबके अपने अपने बंदूकदाने, कई सारे बॉडीगार्ड्स। रवि के बॉडीगार्ड्स बाहर से होने वाले एक सीधे हमले को रोकने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम हमला बाहर से नहीं, अंदर से करेंगे। तुम लोग पार्टी वर्कर्स और बॉडीगार्ड्स के बेस में, वहां उनके लोगों में मिल जाना। कौन किसका बॉडीगार्ड है किसी को पता नहीं चलेगा। मान लो हमने प्रताप रवि को गोली मार दी, उसके बॉडीगार्ड्स का क्या? वो तो हम लोगों को भून डालेंगे। बॉडीगार्ड्स जिंदा आदमी की जान बचाने के लिए है, मारे आदमी पे जान गंवाने के लिए नहीं। वो आदमी जिसने बॉडीगार्ड के बेस में गोली चलाई और कौन कौन उसके साथ है यह जाने बिना कोई क्यों फंसना चाहेगा? क्या पता हर कोई दूसरा बॉडीगार्ड भी इस साजिश में शामिल हो। यह सोच के कोई भी बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं करेगा। प्रताप तब चांद से बच गया, अब हम उसे मर्जी से मारेंगे। Yeah.
रवि को मैं मारा, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने मेरा भाई सूर्या का पूरा फैमिली को मार दिया। सूर्या जेल में है, इसलिए उसका बदला मैंने लिया। बीच का रास्ता, सांप भी मरा, लाठी भी नहीं टूटी। कर लोगे? अब तुम वो पुराने सूर्य नहीं हो जिस पे जुल्म हुआ था। सूर्य उसने भी ठीक वैसे ही शुरुआत की थी जिस तरह तुमने, वो भी उसी माहौल और उन्हीं हालातों से पैदा हुआ जिससे तुम बने। मुझे हालात और माहौल ने नहीं, रवि ने बनाया है। तुम्हारे घर में टीवी बॉम्ब रवि ने नहीं लगाया था क्या? नंदिनी ने बताया मुझे। और तुम मान गए? हो सकता है रवि ने नंदिनी से झूठ बोला, हो सकता है नंदिनी ने मुझसे, लेकिन यकीन के साथ तुम ही तो नहीं कह सकते। सच तो यह है कि पूरे यकीन के साथ कोई भी कुछ नहीं कह सकता, कोई भी। चलो छोड़ो इन बातों को, रवि गया और तुम हो, और मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। जहां हम सब फेल हुए वहां तुम कामयाब हो गए। तुमने वो काम किया है जिसकी बड़ी जरूरत थी। तुम्हारे पीछे जो भी लोग हैं और जिस वजह से तुमने रवि को मारा वो खत्म हो गए। वो गया, अभी हो गया, लेकिन याद रखना सूर्या, अपने वक्त में रवि कुछ लोगों के खिलाफ जंग करते करते खुद उनके जैसा बन गया। अगर हालात और माहौल बदल गए तो तुझे भी रवि बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज्यादा वक्त नहीं। Thanks. मुझे पूरा यकीन है खुद रवि ने बहाया, और मुझे इसका भी पूरा यकीन है मैं कभी रवि नहीं बनूंगा। Hope so. Yeah.